चंदवर, ये सेंटर बाजार है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा शॉपिंग पासीघाट। है कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो खस्ता हालात में है, जो नए सिरे से तामीर करना है। यहाँ पे मस्जिद शरीफ है जो अभी बहुत पुरानी हो चुकी है, उसके तामीर के लिए यहाँ की कमेटी हमारे पास आई थी, यहाँ के लोग आए थे। यहाँ ताज साहब हैं जो एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं ऑनरेबल हमारे, तो उनके कहने पे भी उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पे आइए। और हमारा वक्फ का काम है, जिम्मेदारी दी गई है, हम वक्फ के केयर टेकर्स हैं, हमें देखना है वक्फ की कहाँ कहाँ जायदाद है, वहाँ पे हमें पहुँचना है और उसको अज़सरे नौ, जहाँ जहाँ लगेगा खस्ता हाली है उसको अज़सरे नौ तामीर करना है। और लोगों का आज की डेट में बहुत ताउन है वक्फ के साथ, और दिल खोल के सारे यहाँ पे मैंने कुछ नौजवानों को देखा जो दिल खोल के सामने आ रहे हैं, जो बुजुर्ग हमारे हैं, सारे जितने भी लोग हैं सबों ने कहा कि हम तरक्की और तामीर और तरक्की में अब वक्त के साथ साथ हैं। इंशाअल्लाह रहमान आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हम नए सिरे से करना चाहते हैं। मैं विंटर आ रहा है तो क्या कुछ इंतजाम यहाँ है तो विंटर बिल्कुल का? धूप लग और रही मैं है। अलवर जेएनके की बात करूँगा, जितने भी श्राइन्स हैं फायरवुड के हवाले से क्या कुछ इंतजाम? बिल्कुल हमारे मजिस्ट्रेट साहब साथी हैं और ये उसके लिए देख रेख कर रहे हैं, और कहीं भी कोई कोताही नहीं नजर आएगी। हम कश्मीरी पंडित हैं जो यहाँ से माइग्रेट हो गए, तो उनकी भी कुछ लैंड जो है वक्फ बोर्ड के पास है, उस हवाले से बताइए। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड के पास किसी कश्मीरी पंडित का जमीन नहीं है, वक्फ की अपनी वक्फ जमीन होती है, और जो डोनेशन होता है, जो डोनेटेड लैंड होती है, उसी को वक्फ कहते हैं। वक्फ को मर्ज किसी में नहीं कर सकते, ना सरकारी ज़मीन वक्फ होती है, ना वक्फ की ज़मीन सरकारी होती है, ना किसी महाजरीन की ज़मीन वक्फ होती है। ये सिर्फ डोनेट मैम किया हुआ कुछ लैंड कुछ होता है जो वक्फ नोटिफाइड होता है, वक्फ को किसी के साथ आप मर्ज नहीं कर सकते हैं, वक्फ का आप कोई गलत माना नहीं निकाल सकते हैं, वक्फ किसी से आप ले नहीं सकते हैं, किसी से छीन नहीं सकते हैं, वक्फ रज़ाए अल्लाह के लिए दिया जाता है, वो होती है लैंड। मैम कुछ